करना है तो किसी का अच्छा करने का विचार करो। अगर अच्छा नहीं कर सकते कम से कम, तो गाने वाले बता नहीं कि भला किसी का कर नहीं सकते तो बुरा किसी का मत करना, अगर फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर, अगर फूल बनकर महक नहीं फैला सकते तो कांटे बनकर चुभना तो मत कम से कम, किसी को चुभो तो मत, कथा कहती है। यहाँ ध्रुव जी को भी गुस्सा आया कि देखो मेरे भाई को इंजेक्शन नहीं मारा, कोई लड़ाई करी, सेना तैयार करी और यह युद्ध हुआ। उस समय मनु महाराज आया और कहा बेटा वैष्णव वैर नहीं करता, वैष्णव तो प्रेम करता है, सहन करना सीखो। अगर बड़ा कोई कह दे तो सहन कर लो, बड़ा है, और बड़ा छोटे को नाड़ देता है, बोल दिया वो भी है। कोई छोटा कहे तो सहन कर लो कि छोटा है, अकल नहीं है, अकल होती तो बोलता ही नहीं, अरे दीदी की भेंडिया है, बोल दिया होगा पागल में, तो सहन कर लो। और कोई बराबरी का कह दे तो समझो बराबरी वाला तो मित्र होता है भाई, मित्र से हंसी मजाक कर लेते हैं, वो मजाक में बोल दिया होगा। सहन करना सीखो, और जो सहन करता है वो संत बनता है, और जो संत बनता है उसे भगवंत मिलता, परमात्मा ईश्वर मिलता। कथा कहती श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, ये यक्ष जो है कुबेर के मित्र है, तुमने कुबेर का अपमान करके ठीक नहीं किया है, ये शिव जी के मित्र हैं कुबेर देव। तो प्रणाम किया कुबेर ने, करना किसी ने किसी को मारा ही तो सब जिसकी जान मौत हो गई, मांगोगे अब नहीं मांगना, एक बार मांगा राजद्रोह लड़ने आया, अब तो परमपद चाहिए। घर आया अपने बेटे को रास किया, ध्रुव जी गंगा के किनारे आए हरिद्वार में, बचपन में गए तो यमुना जी के किनारे हो, ने बुढ़ापे में आए तो हरिद्वार में गंगा के किनारे, क्यों? क्योंकि बचपन में परिवार का प्रेम चाहिए, तो यमुना है प्रेम का किनारा और गंगा है ज्ञान का किनारा, और अब बुढ़ापे में मुक्ति चाहिए तो मुक्ति ज्ञान से होती, गंगा है मुक्ति देने वाली और यमुना है कृष्ण, तो प्रेम लीला है ना, तो प्रेम चाहिए तो ब्रज में जाओ, यमुना किनारे जाओ, और मुक्ति मोक्ष है तो गंगा के किनारे आए हैं, यहाँ तपस्या करी है। आखिर में धर्मराज स्वयं आए हैं विमान लेकर के, और कहा चलो अब बुलावा आ गया है, और तो एक बार मेरी माँ गंगा में स्नान कर लूँ, स्नान करने गए तो थोड़े उदास हो गए, तो गंगा माँ अपने बेटे को उदासी देख नहीं, भाई बेटा उदास क्यों? तो ध्रुव ने कहा और कोई खास बात तो नहीं है माँ, पर आज तेरा किनारा छोड़ के जा रहा हूँ इसलिए उदासी आ गई है, क्योंकि हे माँ तेरे किनारे पर बैठकर जो भजन करने में आनंद आया, तपस्या करने में जो आनंद आया, भक्ति करने में जो आनंद आया, वो आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर युग युगांतर जब तक ये संसार है तेरे किनारे बैठकर इसी भांति भजन करता रहूं, मैं तेरा किनारा छोड़ना नहीं चाहता। तो गंगा ने कहा बेटा जा, ये तो मेरा छाया रूप है, भौतिक रूप है, असली रूप तो तू वही है जहाँ जा रहा है, वहाँ जन्म स्थान है मेरा, वहाँ सदा तेरे पास रहूंगा, ये तो मेरा यहाँ केवल छाया रूप है, और जब कलयुग में पाप छा जाएगा तो मैं सदा के लिए धरती छोड़कर आ जाऊंगी तेरे पास, जब पापाचार छाएगा तो गंगा कहती मैं तेरे पास आ जाऊंगी। जाओ विमान पर बैठे हैं, मौत में सिर नवाया, मृत्युं मूर्धनाम पदम दत्तवाह, मौत के पैर पर सिर रख करके ध्रुव ने विमान पर बैठे हैं, जैसे कोई पंथिया पर पेड़ी पर सीढ़ी पर पैर रखे ऊपर चढ़े ना, मौत तो सारे साधन है ऊपर जाने का, परमात्मा से मिलने का। भागवत कथा कहती है विमान चलने लगा तो ध्रुव जी थोड़े उदास हुए, बार बार नीचे देखे तो विष्णु सूतों ने कहा भैया नीचे क्या देख रहे हो, क्या बात है उदास क्यों हो? ध्रुव ने कहा मैं देख रहा हूं जिस माँ ने मुझे यहां तक भेजा वो मेरी माँ कहाँ है, जिस सुनीति माँ ने मुझे गर्भ में जन्म दिया मेरी माँ को देखना चाहता हूं, जिसके कारण आज यहां तक पहुंचा हूं, मेरी माँ कहाँ है? तो विष्णु के दूतों ने कहा कि नीचे नहीं उसको ऊपर देखो, आगे विमान जा रहा है। अरे ध्रुव जैसे भक्त की माँ नीचे रह सकती है? वो तो तुम्हारे आगे आगे विमान में बैठ कर देखो देखो आगे जा रहा है विमान, तुम्हारी माँ जा रही है, सभी देवियां उनको पंखा जल रही है, भागवत में कथा है साथ। और मैं जहां तक हाँ भले अपनी भाषा में सरल कर देता हूँ पर मूल को नहीं छोड़ता, कथा भागवत की सब है, मैं अपनी तरफ से मिलावट नहीं करता हूं। विमान आगे जा रहा है, भागवत में लिखा है चौथे स्कंद में, आगे आगे उसको थोड़ा हल्का कर दे तो ताकि हमारी समझ में आ जाए, थोड़ा तू सब नीचे डालने की कोशिश जरूर कर लेता। आगे जा रहा है तुम्हारा विमान माँ का देखो, अरे जिसने ध्रुव जैसे को जन्म दिया उसको माँ कभी नीचे रह सकती।
भगवान ने अग्नि को अग्निलोक दिया, इंद्र को इंद्रलोक दिया, सूर्य को सूर्यलोक दिया, चंद्र को चंद्रलोक दिया, पितृ को पितृलोक दिया, यक्ष को यक्षलोक दिया, नाग को नागलोक दिया, ऐसे ध्रुव को ध्रुवलोक दे दिया कि जब तक धरती आकाश रहेगा, गंगा यमुना की धार रहेगा, सूरज चांद रहेगा, तब तक ध्रुव तेरा सारा नाम अटल और अमर रहेगा। मेरी कथा के साथ तेरी कथा भी होती रहेगी, तेरा कीर्तन होता है। और आज भी कोई भी शुभ कार्य करो तो दूरदर्शन का शास्त्र में विधान है। विवाह भी होता है ना, तो विवाह के बाद में पंडित लोग, अब आजकल तो ये विधि विधान ही सब जो भी हो रहा है इस समय पर, नहीं तो विवाह हो जाता उसके बाद ध्रुव तारा देखो, लाडा लाड़ी से कहते थे पहले, एक ऐसा विवाह का विधान है ध्रुव देखो, ताकि ध्रुव जैसा तुम्हारा अटल विश्वास हो, अटल धाम हो, अटल प्रेम और प्यार तुम्हारा श्रद्धा विश्वास बना रहे। हर काम में ध्रुव तारा देखने का एक एक रिवाज है, शास्त्र त्रिपाठी है। और ये ध्रुव की कथा कहती है कि भक्ति का रंग बचपन से ही लगना चाहिए। भक्ति का रंग बूढ़ा भी नहीं करने है, क्योंकि सर्टिफिकेट पंचायत का कि तहसील कलेक्टर का, बूढ़ा होकर ही मरोगे, प्रमाण पत्र है हमारे पास कि बूढ़ा होकर कहीं मरेंगे, क्या गारंटी है? मौत नहीं देखती कि बूढ़ा है कि बच्चा, मौत नहीं देखते गरीब है कि अमीर, मौत नहीं देखती कि पंडित है कि मूर्ख, मौत नहीं देखती कि ज्ञानवान है कि अज्ञानी, मौत नहीं देखती कि पढ़ा लिखा है या अनपढ़, मौत नहीं देखती महल में रहता है झोंपड़ी में, कली काल कुठार लिए फिरता तन नम्र चोंट झिली न झिली, अरे रटले हरि नाम रसना, अरे रट ले हरि नाम रसना, फिर अंत समय में हिल नहीं ली, कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र चोट झिली न झिली, तन नम्र चोट झिली न झिली। साहब ये कलयुग अपना फरसा लेकर घूम रहा है, इसलिए कहा सामर्थ्य रहते ही जिन्हें चलो बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, कभी बूढ़े भी हो गए तो बुढ़ापे में तो शरीर की सेवा करने वाले भी दूसरे हो जाएंगे, तो हमारी सेवा कौन कर पाएगा? मुंडा हिलेगा, दान दिए जाएंगे देखने के लिए, किसी किसी का तो मलमूत्र भी पलंग पे ही होता है, क्या वजन कर पाएंगे? इसलिए रहा शरीर में सामर्थ्य है तो कर लिया सो काम, ने भज लिया सो रहा, शरीर में जब तक है, नहीं तो शरीर निकल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्या कर पाएंगे साहब? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे, बीता जवानी बीती, बचपन बीता जवानी बीती, वो बचपन बीता जवानी बीती, बचपन बीता जवानी बीती, वो बचपन बीता तेरा जवानी बीती, बचपन बीता तेरा जवानी बीती, बुढ़ापे का असर हुआ धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
धीरे धीरे उम्र धीरे धीरे उम्र धीरे धीरे उम्र धीरे 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 उम्र धीरे धीरे वो चली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे चली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे तेरे हुए के चूजिए गिरे रात तेरे हुए के चूजिए वो गिरे रात तेरे हुए के चूजिए गिरे रात तेरे हुए के चूजिए वो गिरे रात तेरे हुए चूजिए गिरे रात तेरे हुए ओ चुकी जा रही है कमर धीरे धीरे चली जा रही है कमर धीरे धीरे चली जा रही है अगर चाहते हो कल्याण अपना अगर चाहते हो कल्याण 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 ओ राम लाटो या मधीर जी चली जा रही मधीर जी ओ चली जा रही वायु का कोई भरोसा नहीं है। भागवत में दृष्टांत आया है कि किसी के घर में आग लग गई तो छोरे ने कहा पिताजी आग लग गई बोले ला तो गेंती पाउडर खोदने लगा गांव वाले इकट्ठे हुए बोले क्या कर रहा है बोला दिखाई नहीं मेरे घर में आग लगी कुआं खोदूं पानी निकाल के बुझाऊंगा जहां तक तो राखड़ा हो जाएगा तो पहले व्यवस्था करनी थी भाई आग लग गई है बुढ़ापा आ गया है मौत की तैयारी हो रही है पहले से उसका यत्न कर ले प्रयत्न कर ले भाई जा जाना है वहाँ की तैयारी ये ध्रुव की कथा कहती है इसी वंश में आगे चल अंग नाम का राजा हुआ अंग का बेटा वेन बड़ा दुराचारी हुआ किसी सदाचारी के यहाँ किसी गलती से भी दुराचारी दुष्ट पैदा हो जाता है तो पिता ने समझाया नहीं माना तो बड़ा दुख है रात के समय निकल गए कैसी औलाद से तो लोग हमें कहेंगे कैसी औलाद शिकायत आने लगी तो घर से निकल गया मंत्रियों ने बेटे को राजा बनाए थोड़ी जवाबदारी आएगी तो अकल आ जाए राजा बनाया अब एक तो दुष्ट आदमी ने और पद मिल गया तो वो रामायण में भी दृष्टांत है ना कि बिच्छू का डंक हो ने दवा के रूप में फिर शराब मिलाई जाए फिर तो सनिपात की तैयारी एक तो अभिमानी आदमी दुष्ट आदमी ने फिर पद मिला तो पहले कोई भगवान भगवान नहीं है राजा भगवान है मेरी पूजा करो कोई भगवान भगवान नहीं यज्ञ हवन सब बंद कर दो सब अरे महाराज वेन की जाए वो जल हार निकाल के दे दो अरे महाराजा की अरे अब चापलूसी चमचे लोग पैदा होने लगे अब मुफ्त में मिले तो भैया तो चमचो महाराज की जाए वो महाराज की तो महाराज किसी को साल किसी को दूसरा किसी को हार किसी को कुंगण किसी को पैसा अब काम काज करना बंद हो गया खेती बाड़ी बंद अब खाए के हार को खाए के हार को खाए के कपड़ा को खाए किसको खाए अब खेती बंद अनाज बन सब भूखे मरने लगे आलसी काम धंधा बने नहीं मोहब्बत कर तो सब जो है भूखे मरने लगे आखिर में महात्माओं ने श्राप दे करके राजा वेन को नष्ट कर दिया अब राजा ने तो फिर चोर उचके बड़ा ए, इसको मारो उसको कुटो ये करो और दंड देने वाला कोई नहीं और दंड नहीं दे तो चोर उचके बढ़ने लगे तुमने काम क्या करे तो शरीर का मंथन किया राजा वेन के अंग का जो है मंथन किया उन्होंने तो उसमें से जुगल जोड़ा पैदा हुआ प्रथु और एक रानी साथ में अर्ची तो सब गांव वाले आए देश सब लोग आए महाराजा हम भूखे मर रहे धरती कुछ भी नहीं दे हमें
तो महाराज प्रथु ने धनुष मार लिया, धरती को ही खत्म कर दिया। धरती बोली के पागल है क्या, गाय का रूप बना और गाय के तू मुझे ही मार डालेगा तो रहेगा कहाँ, किसी बात कर रहे हो, धरती को ही नष्ट कर दोगे, धरती को ही खत्म कर दोगे। बोलो तुम अन्न को छिपा रही हो, बोलो मैं नहीं छिपा रही, तुम कर्मण्यवादी का माप, तुमने कर्म करना छोड़ दिया तो फल मिलेगा कहां से, तुमने अपना अपना कर्म करो। धरती माता कहती मैं तो सब देने को तैयार हूं, तुम चाहिए लेने वाला। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। धरती कहती है कि यहाँ कर्म प्रधान है धरती पर, जो जैसा करता है ऐसा ही फल प्राप्त करता है, तो तू अपना अपना कर्म करो। तो मनुष्यों ने मनु को बछड़ा बनाया और अन्न रूपी दूध का दोहन किया, देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, अमृत रूपी दूध का दोहन किया, राक्षसों ने बृहस्पर्व को बछड़ा बनाया और शराब रूपी दूध का दोहन किया, ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और ज्ञान रूपी दूध का दोहन। यानी धरती पर ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, जहर भी है, अमृत भी। सर्पों ने वासुकी नाग को बछड़ा बनाया और जहर रूपी दूध का दोहन किया। यहाँ जहर भी है, यहाँ अमृत भी है, यहाँ अच्छा भी है, यहाँ बुरा भी है। अब ये तो अपना पात्र चाहिए भाई कि हम कौन सा दूध निकालना चाहे। धरती पर जो चाहो ले सकते हो, धरती में सब है। अरे साहब आजकल विज्ञान बोर्ड भर गया, देखो तो हवाई जहाज ने, हेलीकॉप्टर ने, रेल ने, बस बनाई, पर ये डीजल पेट्रोल किसने बनाया, धरती में पहले से धरती मान में रखा। ये उनको मालूम थी कि आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, धरती सब देती। यहाँ सोना भी है, चांदी भी है, हीरा भी है, मोती भी है, सब धरती के अंदर। धरती से बाहर कुछ कोई है ही नहीं साहब, इसीलिए धरती को माँ कहा है, क्योंकि माँ ही अपने को सर्वस्व दे देती है। माँ यहाँ धरती पर जिसको जो चाहिए उसको देती है, धरती माँ सबको देती है और सबको दे रही है, इसलिए धरती को माँ कहते हैं। और इसीलिए सनातनी लोग कहते हैं कि धरती नहीं हमारी माँ है, भारत माता की हमारी माँ है, क्योंकि हमारा पालन पोषण हमें अन्न दे रही है, हमें भोजन दे रही है, हमारा पेट्रोल दे रही है, हमें डीजल दे रही है, हमें हीरा मोती दे रही है, हमें सोना चांदी, ऐसी कौन सी वस्तु धरती में से नहीं निकले, कहाँ आकाश में से टपकी हो, सब धरती माँ दे रही है साहब। और जो दे रही है हमें पाल पोष रही है, हमारा पालन पोषण कर रही है, वो हमारी माँ है। अब भले हम नहीं माने नालायक की, हम नमक खाना में बने, वो ममता की मूर्त है, सबको धारण कर दिया। अगर धरती में तो रहे पानी, पानी रहे तो क्या पानी में रहेंगे, हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। धरती है, धारण करती है, जो सबको धारण करे वो धात्री है, धात्री धात्री है ना, धाई माई धात्री, अपनी सबको धारण करने वाली माँ। तो सबको धारण कौन करे, जो धरती माँ करती है। सबने अपने अपने जो जरूरत थी धरती से निकाला, तो राजा ने संगठित होकर रहना सिखाया, इसमें उसको राजा की पदवी मिली। पहले गांव हटा ये नहीं थे, जहाँ जहाँ पढ़े रहते चाहे जहाँ रहते, तो उनने गांव बनाए, कस्बे बनाए, नगर बनाए, मोहल्ले बनाए, सबको संगठित होकर के कर्म करने की, तुम काम करो, कर्म करो, फिर कर्म के अनुसार अपना अपना फल लेने की तैयारी करो। तो फिर इन्हें संगठित होकर के सबको आगे, ये गाँव नगर कस्बे जो 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 भी बनी, सीमांकन जितना भी हुआ, ये पृथ्वी महाराज के राज्य में हुआ था, ऐसा भागवत में लिखा है। एक संगठित लोग होकर के सबको रहना सिखाया कि तुम अपने कर्म को करते जाओ, कार्य को करते जाओ। इसी वंश में प्राचीन वरी फिर पुरंजन राजा का एक दृष्टांत आता है, जो जीव और परमात्मा की कथा है। फिर दक्ष की कथा आती है, जिसके 10,000 पुत्र को नारद जी हंस मंत्र का ज्ञान देकर सन्यासी बना देते हैं। फिर दक्ष श्राप देता, जाओ तुम दो घड़ी से ज्यादा के रुकोगे नहीं। तो नारद जी ने कहा, जाओ तुम श्राप देते हो तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, कि अब तुम्हारे यहाँ कोई लड़का नहीं है, अब जो भी होगी वो लड़की होगी, और लड़की होगी तो मैं बाबा जी बनाना आऊँगा नहीं, सब घर में रहेंगे। फिर दक्ष के यहाँ लड़कियाँ हुई, तो इससे आगे ये वंश विस्तृत हुआ। ऐसी कथा आती है, जो मनु के दो पुत्र थे प्रियव्रत से उत्तानपाद, प्रियव्रत नाम के राजा थे, उनके 10 पुत्र हुए। उन्हें सूर्य जैसा एक चमकीला रथ बनाया, सूर्य की परिक्रमा करी, उनके रथ के पैसे 7 घारे बन गए, 7 समुद्र ने धार, धरती के 7 खंड बने, जिनके अलग अलग नाम हुए, जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, कंचद्वीप, शाल्मली द्वीप, अलग अलग नाम हुए। एक एक खंड का राज एक एक पुत्र को दिया गया। इवी से नभग, नभग के नाभ और नाभी के ऋषभ हुए। ऋषभ के 100 पुत्र हुए, 81 कर्मकांडी बने, 9 योगेश्वर बने, सबसे बड़ा भरत राजा। पर भरत को जवानी में वैराग्य हो गया, बाबा जी बन गया, पर एक हिरण के मंचे से ममता लगा,
और कथा कहती है, भागवत कहती है, बेटा दुनिया छोड़कर कहाँ जाओगे, जहाँ भी जाओगे ये माया तैयार है। योग वशिष्ठ रामायण में लिखा है, एक बार राम जी को वैराग्य हुआ तो वशिष्ठ जी आए, रामायण में कथा है योग वशिष्ठ जी, उन्होंने कहा बेटा कहाँ जाओगे, यहाँ घर है वहाँ आश्रम है, खाली नाम बदल जाएगा, एयर गुड ऐसी वही की वही हो, खाली नाम बदल दिया पर बिल्डिंग वही है, यहाँ घर है वहाँ आश्रम है, यहाँ सफेद है तो वहाँ भगवा है, यहाँ भोजन है तो वहाँ प्रसादा है, नाम खाली बदला, खाना वही है भोजन वही है, यहाँ बेटा बेटी है तो वहाँ चेला चेली है, यहाँ सफेद है तो वहाँ गेरुआ है, कपड़ा वही का वही है, तो यहाँ रहे या वहाँ रहे, मन को या शक्ति को काट दे तो बेड़ा पार है, नहीं तो जहां भी जाएगा वहां मझधार है, डूबेगा कहीं भी चला, मन की आसक्ति को काट दे तो जहां रहेगा वहां बेड़ा पार है, और अगर मन की आसक्ति को नहीं मारा तो जहां भी जाएगा वहां मझधार है, वहां डूब जाएगा। बेटा स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी दृष्टांत देते हैं कि दुनिया में रहते हो तो ऐसे रहो जैसे नाव, नाव में पानी में रहती पर डूबती नहीं, स्वयं भी तीरती है और बिठा जो बैठे उसको भी तिरा देती है, पर अगर पानी नाव में आ जाए तो खुद भी डूबती है और बैठने वाले को भी डुबा देती है। तो संसार में रहो पर संसार को मन में मत रखो तो जीवन का कल्याण है, नहीं तो कहीं भी चले जाओ, और अगर संसार घर में आ गया मन में आ गया तो जहाँ भी जाओगे वहाँ डूबना निश्चित है, तय है। कथा कहती श्री सुखदेव जी वर्णन, भरत जी को एक हिरण के बच्चे से ममता लगी और मृत्यु न प्रतीक्षते कार्यम कदाचित, मौत कभी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका काम पूरा हुआ कि नहीं, वो समय पे आती है पकड़ के ले जाती है। एक समय मेरा हिरण का बच्चा वो हरी हरी की माला फेर रहे थे, हिरण हिरण की माला फेर लगी तो एकदम मेरे ठोकर लगी नीचे गिरे और प्राण निकल गए। मृत्यु न प्रतीक्षते कार्यम कदाचित कार्य, मौत कभी प्रतीक्षा नहीं करती कि काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ले गए वहां धर्मराज के सामने गए तो उन्होंने कभी ज्ञानी हो क्यों ज्ञानी हो, मजिस्ट्रेट तो वही है ना, न्याय सबके सामने एक जैसा, तो अंत मति सो गति, अंत समय में जो जिसका चिंतन करता है वही गति मिलती है, ये योगी है साधु भी है पर हरिण बच्चे को याद करते हैं, मतलब जाओ हिरण योनि में डाल दो, क्योंकि गीता जी का सूत्र है कृष्ण का, अंतकालेन स्मरेण मुक्ता कलेवरम, अंतकालीन स्मरण मुक्ता कलेवरम, अंतकाल में जो जिसका स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वो उसी को प्राप्त करता है, ऐसी कृष्ण की वाणी है। तो जाओ इन्हें मृग योनि में डाल दो, और भरत जी को हिरण योनि में डाल दिया, पर वो तपस्या बेकार थोड़ी जाए, भजन बेकार थोड़ी जाए, साधना बेकार थोड़ी जाए, वहां भी वो स्मृति रही, वो ज्ञान रहा कि मैं एक राजा था, राजपाट छोड़ा, रानी छोड़ी, परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़ी, पुत्र छोड़े, बाबा जी बना, पर वहां एक हिरण के बच्चे में राग लगाया तो हरिण बनना पड़ा, अब मैं किसी से प्रेम नहीं बढ़ाऊ, मन मन में भजन करते, सूखे पत्ते खाते, ज्यादा घूम फिरू तो कीड़े मकोड़े मरेंगे, रोज स्नान करते, हमारे यहाँ जानवर भी नियम से रहते, अब तो इंसान नियम तोड़ रहे, भगवान बचाए, भारत के पशु पक्षी भी नियम से रहते थे, अब तो सब नियम तोड़ रहे हैं, तो यहाँ जो नियम से जो है सादगी भरा जीवन जीते, एक दिन वो शरीर भी छोड़ दिया, एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, वहाँ नाम आया भरत, यहाँ भी नाम हुई नक्षत्र योग ऐसा बना नाम भरत, माँ बाप को बड़ी आनंद हुआ, चलो बेटा हुआ हमारा, बड़ी खुशी हुई, अब बेटा बड़ा हुआ तो ये सुख फिर दुख में बदलने लगा, क्योंकि बेटा पागल उन्मादी, अब भरत जी को वो तीन वो तपस्या के द्वारा अपना ज्ञान याद है कि एक बार मैं राजा से ऋषि बना पर हिरण बच्चे से ममता लगाई तो तीन जन्म लेना पड़ा, अब मैं ये अपने ज्ञान की दुकान भी लगाऊंगा, अपना आत्म कल्याण करूंगा, पिताजी लिखाई पढ़ाए, बेटा स्कूल में जाओ, अनार का आम का आ आ, अरे बेटा बारकड़ी बोला ना, सोहम ब्रह्म शिव अहम ब्रह्मांशि तत्त्वमसि हरियो तत्सत, न मालूम क्या क्या पागल जैसा चिल्लाए उन्मादी कहीं का, किसी को बात समझ में नहीं आए, पढ़ा पढ़ा कर हार गए पर एक अक्षर लिखना नहीं सीखे,
नाम भरत था, आगे लगा दिया जड़, जड़ यानी पागल। और भरत जी के एक बार अकलबंद बढ़ने गया तो तीन जन्म लिया, अब अकलबंद नहीं बढ़ना, मूर्ख कहे तो कहने। और ये दुनिया तो कुछ भी करो ये चिल्लाएगी, ये कभी अच्छा कहने वाली है भी नहीं। ज्यादा बोलो कहेगा लवार बहुत ज्यादा बोले, नहीं बोलो तो कहेगा घमंडी बोलने में नहीं समझे। अगर मंदिर आड़ी जाओ तो कहेगा है बुगला बगर बिल्ली भाई 900 उम्र। अरे बेचारो आई तो क्यों नहीं, हवेल में बोलियो हांजे करे तो आई आवा दो, पर वही बाला लेन तैयार बांध लेन के आए कैसे उधर से जुड़ो। मैं देखो तो बुगला बगर मंदिर आड़ी, अगर मंदिर की तरफ जाओ तो भूला भगत में नहीं जाओ तो पाखंडी। मंदिर में नहीं समझे, भगवान में नहीं समझे, कथा में नहीं समझे, नहीं जाओ तो पाखंडी में जाओ तो भूला भगत, बोलो तो लवार में, नहीं बोलो तो घमंडी, बोलने में नहीं समझे। ये दुनिया ही चिल्लाएगी साहब, चिल्लाने दो, दुनिया की मत परवाह करो। साधु कहता है कि तुम्हारा संत, तुम्हारा शास्त्र क्या कहता है, तुम्हारा कि भगवान क्या, ये दुनिया कहे तो, पर दुनिया का मालिक क्या कहेगा तुम्हारे विषय में उसकी चिंता करो। दुनिया की चिंता मत करो, दुनिया तो कभी अच्छा न किसी को कहा न करेगा, कहेगी और न कहने वाली है, ये तो चिल्लाती रहेगी। चिल्लाने दो, क्योंकि दुनिया का काम है चिल्लाना। दुनिया के सामने जबरदस्ती अच्छा बनने का ढंग भी मत करो, ढंग से जीवन जीना सीख कर चालू कर दो, ढंग से अपना जीवन जियो, ये दुनिया तो जैसे। और याद रखना भक्ति में ढोंग नहीं ढंग चाहिए, भक्ति में स्वांग नहीं सत्य चाहिए, यथार्थ चाहिए भाई। भक्ति में स्वांग नहीं चाहिए, सत्य चाहिए, यथार्थ चाहिए, ढोंग नहीं ढंग से जीवन जीना चाहिए। अब यहाँ सबने कहा ये तो मूर्ख है, पर ये तो सच्चे पंडित है ना। सच्चा पंडित कौन है, तो तुलसीदास जी ने कहा है कि पर धन पर मन हरण को वेशा बड़ी प्रवी। पराया धन पराया मन तो कोई भी हरण कर ले, अपनी तरफ खींच ले, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। पर धन पर मन हरण को वेशा बड़ी प्रवी, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवली। तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवली। चतुर वही है, होशियार वही है, पंडित वही है, विद्वान वही है जिसका मन राम चरणों में लगा हुआ, परमात्मा के चरणों में लगा हुआ, वही चतुर वही होशियार, बाकी तो सब गाफिल है, सब गाफिल है। सोई चतुरता जो राम चरण लवली। भरत जी तो सच्चे भक्त थे, माँ बाप मर गए, इनके 9 भाई और थे, कथा में ऐसा इनकी 2 माँ थी, भरत जी की 2 माँ थी, एक माँ के अकेले थे और एक के 9 भाई और थे। भरत जी गांव में जाए भोजन करना, हाँ कोई भी दे दे रोटी खा ले, चाहे जहां सो जाए, पड़े रहे, पेट भरना है कहीं खा ले, कोई खिला दे। तो इनके भाई ने विचार किया कि लोग कहेंगे देखो विमाता का पुत्र है, भाई भोजन नहीं देते होंगे, ये तो पागल है, लोग हमको कहेंगे। तो भाइयों ने कहा नहीं भरत, हाँ दादा तू लोगों के वो खाया, अपने यहाँ खाया कर नहीं, हो दादा यहाँ दे दो। मैं कहे गांव में रहेगा तो भीड़ अड़ोस पड़ोस में खाया, इस अगर मैं खेत पे जा, हो दादा क्या करूं, वो ओटा बांधना मेड़ बांधना। भरत जी बोले ओ मूर्ख बना पागल बना, पर ये मेड़ अभी भी छाती से नहीं गई, आज ओटा बांधना कल वक्खर चलाना परसों डोरा चलाना फिर नाई चलाना फिर गेहूं काटना, ये भजन करने नहीं दे। ने कहा आज श्री गणेश जो है खेत खोदे में डार में ए पागल, और छापरा करे सब आगे फेंक दी थी पाउडर, फिर क्या करो रखवाली करो। भरत जी बोले खाने वाला राम खिलाने वाला राम, तो मेरा बीच में रोकने वाले का क्या काम, खेत दूसरे का खाने वाला दूसरा है तो मैं क्यों रोकूं। भरत जी विचार कर रहे हैं और कहते हे चिड़ियों मैं तुम्हें उड़ाऊंगा, उड़ के इधर से उड़ोगे तो दूसरे कोने में जाओगे,
उधर आऊंगा तो इधर आऊंगी, आखिर में जाओगी तो पेट भर के ही, खाली फंक्शन कर, मैंने उड़ा दिया कर दिया, यहाँ से वहां वहां से वहां पेट भर के जाओ। तो ऐसा करो, राम जी चिड़िया राम रखे, गुरु नानक जी ने कहा चुग लो चिड़िया भर भर पे, चुगो चुगो खूब खाओ चिड़िया। पर एक बात का ध्यान देखना कि जिसका भंडारा जीम रही हो ना, उसको आशीर्वाद देना कि दिन दुना ने रात चोगना पाकता रहे और ये भंडारा इसी बात की जीतती रहे, उसके भंडारा में कभी खाली ना हो, आशीर्वाद देकर चली जाए। उसी समय चौल सरदार माता जी के मंदिर में बलिदान के एक आदमी का माथा चढ़ाऊंगा। उस आदमी ने कहा यहाँ तो मुझे मारेंगे, रात का समय अंधकार था, भाग गया चोर के सरदार का, पकड़ के लाओ दूसरा। खेत पे सोए थे भरत जी, हाँ मोटा ताजा है, माँ भी खुश हो जाएगी, पकड़ के लाए। तुम्हें बलि चढ़ा? हाँ चढ़ा, पागल तो ढेर है, पहले इसको स्नान करा, अब भगवान को चढ़ाया जाए, माता जी को चढ़ाए तो पहले पवित्र करो इसको, स्नान हाँ करा दो। अब कभी जन्म देने वाली माँ ने स्नान कराया, वह पागल को कौन करा रहे, और इसका कोई नहीं, उसका वो मंदिर वाला है, सारी व्यवस्था करता है। स्नान कराया, नए कपड़े पहनाए, पूजा करिए, पूजा करे हाँ कर दो, और संत की तो कोई पूजा करे तो भी आनंद, कोई गाड़ी दे तो भी आनंद, कोई फूल चुड़ाए तो भी आनंद, कोई धूल उड़ाए तो भी आनंद, कोई सम्मान करे तो भी आनंद, ने कोई अपमान करे तो भी, जो हर परिस्थिति में उसकी मस्ती डामाडोलनी हो, उस परम हस्ती का नाम है संत। कैसी भी परिस्थिति आती जाती रहेगी साहब, ये दुनिया है, पर कैसी भी भंवर आए, पर जिसकी नाव डामाडोल ना हो, अपनी मस्ती में चलती रहे। कथा कहती है स्नान हो करा दो, स्नान हो गया, फिर जो है आप तुम्हारा भोजन, हाँ भोजन करो, भोजन करने लगे, पर जैसे ही भोजन ने किया, चोर सरदार बड़ा खुश हो गया, जानवर अच्छा लाए, जिसको थोड़ी देर बाद माथा काट देंगे, पर कोई भय नहीं डर नहीं। और भरत जी विचार करे कि मरना बाद में है, अभी तो भोजन है, आगे का, अब आगा जो होना है सो देखा जाएगा, अभी से क्यों होगा, हम क्यों दुखी जाते, कहीं वेगा जो लिखे होगा वेगा, रोवांगा तो भी वेगा, नहीं रोवा तो भी होना है, भाग लिखी होगी सगरी, मना तू मत करना फिक्री, तू क्यों फिक्र करे, जो भाग में लिखा सो होगा, पर आगे होगा सो होगा, देखा जाएगा, जो निकल गया भूतकाल है, आने वाला भविष्य काल है, तो भविष्य की चिंता मत करो, भूत को भूल जाओ, और जो सामने उस समय को सुधारो, वर्तमान को जो सुधारता है उसी का नाम संत है। भूत भविष्य में घेर कर वर्तमान को बिगाड़ रहा, सामने वाले को बिगाड़ रहा, अभी जो सामने उसका सदुपयोग करना, उसे काम में लेना, भोजन आया अभी तो पाऊं, आगे देखा जाएगा, जो होना आएगा मेरे गोविंद की मर्जी। भोजन कर रहे हैं, बोलो अब माथा काटेंगे, हाँ काट दो चढ़ाओ, और जैसे ही अब ऊपर से पागल थे, अंदर से तो अंदर या नहीं थे, माँ के सामने खड़े हो गए, माथा झुकाया, माँ कितनी दयालु है रे मेरी माँ, वाह कितनी कृपालु है, कहीं जंगल में मरता जानवर खा जाता तो विष्ठा बन जाता शरीर की हालत, कहीं गड्ढे में गिर के मरता तो कीड़े पड़ जाते, ये शरीर की हालत, अगर घर में मरता भाई जला देते तो राखोड़ा बन जाता, पर वारे मेरी माँ कितनी दयालु है कि अपने चरण में, अपने मंदिर में, अपने धाम में, अपने निज धाम बुला रही है, वह कृपालु जय हो, या देवी सर्वभूतेषु, देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु
शु या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः कितनी दयालु है तू, तू कितनी कृपालु है, माँ की स्तुति कर रहे हो बच्ची, तू तो आनंद देने वाली है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा दरबार तेरा मैया दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा मैया दुखियों का सहारा है।
माँ प्रकट हो गई, तलवार निकाल ली, चोर सरदार का सिर कट, माँ किसका बलिदान ले, दुष्टों का बलिदान यहाँ भी गया, पापियों का, अन्यायियों का, अत्याचारियों का, जो धरती पर बोझ बनकर जी रहे हैं, जो अपनी माँ की तरफ ही कुदृष्टि कर रहे हैं। चोर सरदार का सिर काट कर जमीन पर गिर गया, तेज समाहित हो गया। इसी समय सोवीर देश राजा रोहणम कपिलस्य ज्ञान प्राप्त हो, सोवीर देश का राजा रोहणम कपिल के पास ज्ञान सीखने जा रहा था, काहर बीमार हो गया था, पकड़ के लाओ माताजी के मंदिर में हष्ट पुष्ट शरीर भरत जी को लिया। हाँ, बड़ा मोटा तगड़ा शरीर था, क्योंकि चिंता बिगड़ तो रही नहीं। एक भागवत की 11वें स्कंद में कथा है, राजा यदु और दत्तात्रेय जी का संवाद है। यदु राजा एक बार जंगल में गए, वहां दत्तात्रेय जी मिल गए, जहाँ 24 गुरु की कथा आई है। तुमने कहा महाराज तुम जंगल में रहते हो, सूखे पत्ते खाते हो, हवा भक्षण करते हो, कभी भोजन मिलता नहीं है, हम तो काजू बादाम हलवा खाते हैं, फिर भी हम दुबड़े और तुम मोटे ताजे क्यों? तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, जिसको मैं खाता हूँ, हम संत लोग जिसका भोजन करते हैं, वो तुम नहीं खा सकते। क्या ऐसी क्या चीज, हम इतने बड़े राजा वो हम नहीं खा सकते? बोले तुम नहीं खा सकते। बोले क्यों? कि जो फिकर सारे संसार को खाती है, जो चिंता सारी दुनिया को खाती है, हम भगवान के चिंतन के द्वारा उस चिंता को ही खा जाते हैं। चिंतन के द्वारा चिंता को खा जाते हैं, हमारा भोजन चिंता है, खा जाते हैं। जो चिंता सारी दुनिया को खा रही है, नष्ट कर रही है, खत्म कर रही है दुनिया को, चिंता। किसी ने कहा ना, चिंता बड़ी पापड़ी, काट कलेजो खाए, बाहर तो दिखे जी ने अंदर ही अंदर गुंधवाए। चिंता बड़ी बड़ी खतरनाक है, तो बाहर दिखती नहीं, अंदर ही अंदर। भरत जी बड़े मोटे ताजे थे, चलो पालकी में लगना है, हाँ लग जाओ। भरत जी मन में विचार करने लगे कि पहले मैं भी राजा भरत था, बहुत लोगों के खांदे पर बैठा हूँ, कल बैठा तो आज बिठाना पड़ेगा, क्योंकि जो किया है कर्म वो तो भोगना ही पड़ेगा। पर अंतर इतना है, भोगते हम भी हैं, भोगते संत भी हैं, और संसारी भी भोगते हैं, पर हम भोगते हैं रोते रोते, और ज्ञानी भोगते हैं हंसते हंसते। संत भी भोगते, कर्म का प्रारब्ध तो सबके पीछे पड़ा है साहब, ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है, ये कर्म का जो प्रावधान है ना। पर भक्त आदमी हंसते हंसते भोगता है, और हम संसारी अज्ञानी रोते रोते भोगना दोनों को पड़ता है, दोनों ही भोगते, पर हंसते हंसते। कथा कहती है भरत जी लग गए, पर कहीं पैरों में कीड़ी कंकड़ न लगे, कोई कीड़ी मकोड़ा न मर जाए, कोई जीव न मरे दबने, देखे कभी कोई दौड़ के कभी उछल। राजा ने कहा ढंग से चला, जाने नहीं मैं राजा रोगुण। दूसरे कहा डरे महाराज हम तो ढंग से चला, पर ये कहाँ से पागल पकड़ के लाए हो, कभी हंसता है कभी रोता है, कभी नाचता है कभी गाता है, कहाँ से पागल पकड़ के ले आए हो? और पागल में और परमहंस में ज्यादा अंतर भी नहीं होता है, तो बाहर से क्रिया दोनों की एक जैसी होती है, बाहर से पागल और परमहंस में ज्यादा अंतर नहीं है, बाहरी क्रिया को देखो तो ज्यादा महसूस नहीं कर पाओगे। कहां से पकड़ के लाए, ढंग से चलता नहीं है महाराज, नए ढंग से जाल में राजा सरुगुण। भरत बोले बोल, जो अपनी मैया से न बोला, अपने पिता से न बोला, अपने भाई से न बोला, परिवार से न बोला, अपने गांव वालों से न बोला, आज भरत जी रोगण से बोलने जा रहे हैं। और हमारे भागवत के संत बहुत कम बोलते हैं, और अगर बोलने लग जाए तो सुनने वाला एक सूत्र भी पकड़ ले तो कल्याण करके छोड़ दे, एक सूत्र भी अगर पकड़ लिया।
आज तक जो गूंगा रहा, वाचाल रहा, पागल रहा, आज बोलने लगा। क्यों बोला? कि राजू और रघु कपिल के पास ज्ञान सीखने जा रहा, और कपिल भगवान इतने क्रोधी है कि सागर के 60,000 पुत्र को जला कर राख कर दिया, एक संत के खाने पर बैठ कर जाएगा तो इसको श्राप दे देंगे। और भरत जी विचार किया, दयालु हृदय था, कि एक साधु के कंधे पर बैठ कर जाए उसकी दुर्गति हो, जिसको संत उठाए उसका पतन हो, ये मुझे मंजूर नहीं। जड़ भरत जैसे संत ने उठाया इसका उद्धार करके ही छोड़ूंगा। और कथा ऐसा कहती है कि ये वही हिरण था। भरत जी ने विचार किया कि तेरे लिए तो मैंने 3 जन्म बिगाड़े हैं रे, तेरा इंतजार कर रहा हूं। एक बार संत जिसका हाथ पकड़ ले छोड़ते नहीं है, मजदार खींच लेते। आज से नहीं, तेरे कारण मैं अपना जीवन बिगाड़ रहा हूं, 3 जन्म बिगाड़ दिए। तू मेरे शरणागत होकर मेरे आश्रम पर आया था भरत, मैं राजा था तब, आज मैं तेरा उद्धार करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि जो संत पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं है साहब। राजन मैं इसलिए चल रहा कि कोई कीड़ी मकोड़ी दब न जाए, क्योंकि कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो, तो मोहर बनकर हम कर लगे, जल्दी कुआं तू को मुझे सर्वत्र वो दिखाई देता है। राजा रघु नीचे कूद पड़ा, ये पागल नहीं रे, कोई परमहंस है, जैसे कोई राखोड़ी का ढेर हो ना कि राखोड़ी है, पर जब मांगने जाए, अरे चिंगारी है रे, राग नहीं जलती आग है, जिसको हम राग समझ रहे थे, पर जब छाला पड़े तब मालूम पड़े, छला पड़े जब उष्णता लगे, जब आग लगे, जब पहचान हो, हे जिसको पागल समझ लो, पागल नहीं, कोई परमहंस है, चरणों में गिर पड़ा। भगवान कौन हो? राजा तू तो सुवीर देश का राजा है, पर मैं उस देश का राजा हूं जिस देश का नाम भारतवर्ष है, भारतवर्षी भरतखंडी आर्यावर्ती जम्बूदीप है, तेरा नाम लिया जाता है। चरण में गिर पड़ा। फिर सुंदर भट्टाटवी का वर्णन किया, उन्हें कहा महाराज अब शिक्षा दी है तो दीक्षा भी आप दे दो। उन्हें मंत्र दीक्षा दी है और दोनों ने भगवान की साधना करते भगवत धाम प्राप्त किया है भरत जी और रघुवर ने। और फिर भौगोलिक वर्ण 7 लोग, भूल लोग, भोर लोग, जल लोग, तत्व लोग, वहाँ लोग ऊपर है, 7 नीचे अतल तल तलातल असल पाताल है, सब पर शेष नारायण ब्रह्मांड को उठाए हुए हैं। फिर ज्योतिष चक्र का वर्णन किया, सूर्य आदि नवग्रह मंडल का वर्णन किया है। फिर नरक लोक का वर्णन किया, महाराज हम नरक में जाएंगे। परीक्षित ने कहा, उन्होंने कहा राजन क्यों घबराए रे, तेरे पास जितनी सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास एक ऐसी जड़ी है कि तेरे सब पाप को नष्ट कर देगी। नारायण नाम लिया जिसने, ओरहु नाम लिया न लिया, अमृत पान किया घट भीतर, ओरहु नीर पिया न पिया, नारायण नाम में शक्ति है, राम नाम में शक्ति है कि सब पाप को, राम नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी सब इसको नाम को बोल सकते हैं। ऐसा अरे अजामिल जैसे एक ब्राह्मण एक वेश्या के संग से बिगड़ गया था जीवन, पर एक संत ने उसके पुत्र का नाम नारायणकरण कर दिया, नारायण रख दिया, नामकरण कर दिया, और पुत्र के नाम लेने से अजामिल का उद्धार हो गया। तो अजामिल की कथा सुनाई है तो हमारा उद्धार क्यों ना हो? भगवत नाम की शरण में आए, क्योंकि नाम कल्याण करने वाला है, नाम उद्धार करने वाला है। तो जब कह रहे हैं कि नाम की शरण में आओ, तो हम भी 2 मिनट नाम लेते हैं। कल आगे की कथा का दर्शन, कल गीता का गायक और भागवत का, कल कन्हैया जी आई हो कथा में, कल इसी समय हमारा बालकृष्ण यहाँ प्रकट होंगे, यहाँ सागिरी में कल वृंदावन बनेगा, ब्रजधाम बनेगा, कल भगवान कृष्ण यहाँ पधारने वाले हैं। आज इसी के साथ विराम, 2 मिनट भगवत नाम, क्योंकि सारी कथा का सारे नाम 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 नाम, कलयुग केवल नाम धरा, सुमर सुमर नर उतरे।